मैं हैरान हूं, जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए। भाइयों बहनों, ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है। एक प्रकार से मुफ्त में ये पूरा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है और मैं जापान का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीक और आर्थिक मदद के साथ भारत के सहयोग के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है, आगे आया है। भाइयों और बहनों, इस हाई स्पीड रेलवे सिस्टम से ना दो सिर्फ दो जगहों के बीच दूरकर्मी होगी बल्कि 500 किलोमीटर दूर बसे दो शहरों के लोग भी और निकट आ जाएंगे और पास आ जाएंगे। और इसलिए मैं तो कहूंगा यह ट्रेन आमरू अहमदाबाद से आमची मुंबई जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मुंबई और अहमदाबाद की दूरी 2 से 3 घंटे के भीतर भीतर पूरी की जा सकेगी। अगर हम हवाई यात्रा से इसकी तुलना करें तो जितना समय लोगों को एयरपोर्ट जाने में, वहां की औपचारिकता पूरी करने में और फिर हवाई यात्रा के बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचने में जितना समय लगता है, उससे भी आधे समय में ये हाई स्पीड रेल से मुंबई जा सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आएगा, लोगों का कितना समय बचेगा। मुंबई अहमदाबाद सड़क रूट पर जो हजारों गाड़ियां हर रोज चला करती हैं उसमें भी कमी आएगी, इसका पर्यावरण पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और जब ईंधन बचेगा तो विदेशी पूंजी भी बचेगी क्योंकि हमें सारा ईंधन विदेशों से लाना पड़ता है। साथियों, इस प्रोजेक्ट के साथ मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम भी विकसित होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच का पूरा एरिया एक प्रकार से सिंगल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित हो जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ यातायात तेज होगा लेकिन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और इससे चाहे ट्रांसफर ऑफ मैन पावर हो या सामानों की ढुलाई हो, ये बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगी।